हेलो दोस्तों, आज पुनः हम आप लोग के समक्ष एक प्यारा सा स्टोरी लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए इंग्लिश की कड़ी में इस स्टोरी को हम देखते हैं। तो हमारा स्टोरी का टाइटल है द डोव एंड द बी, यानी कि कबूतर और मधुमक्खी। वन डे, एक दिन, अ बी केम अक्रॉस ए स्पीरिंग, एक मधुमक्खी बसंत के उस पार आई। वाइल सर्चिंग फॉर वाटर, पानी की खोज में बसंत के मौसम में निकली। बट टू रीच द वाटर, जब वो पानी के नज़दीक पहुंची, द बी हैड टू क्लाइंब ऑन टू ए ब्लेड ऑफ ग्रास, तो उसे घास के तिनकी के ऊपर चढ़कर पानी के पास पहुंचना पड़ा। टू रीच द स्प्रिंग एंड ड्रिंक वाटर, और पानी पीने के लिए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, वाइल क्लाइंबिंग द ब्लेड ऑफ ए ग्रास, जब वो घास के तिनके के ऊपर चढ़ रही थी, सी फेल इन टू द वाटर, तभी उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर पड़ी। और डोब, एक कबूतर, वॉज सीटिंग ऑन ए नियर बाई ट्री, जो पास के एक पेड़ पर बैठा था। सीइंग द बी इन ट्रबल, उसने इस बी को मुसीबत में देखा। द डोब ड्रॉप्ड ए लीफ नियर द स्ट्रगलिंग बी, संघर्ष करते हुए मधुमक्खी के पास उसने एक पत्ता तोड़कर कबूतर के पास गिरा दिया। द बी कबूतर ने गिरा दिया। द डोब ड्रॉप्ड ए लीफ नियर द स्ट्रगलिंग बी, कबूतर उस संघर्ष करते हुए मधुमक्खी को देखा तो पास से एक पत्ता तोड़कर गिरा दिया बी के लिए। द बी क्लाइम्ड ओवर इट, मधुमक्खी इसके ऊपर चढ़ गई। एंड और द लीफ फेरीड हर सेफ्टी टू द शोर, और वह पत्ता उस मधुमक्खी को एकदम सुरक्षित किनारे तक पहुंचा दिया। बट लेकिन जस्ट इट जो ही द बी रिच द ग्राउंड, वह जमीन पर उतरी, सी साए हंटर अराइव, उसने देखा कि एक शिकारी आ पहुंचा था। ही वॉज अबाउट टू शूट द डोब, वह कबूतर को गोली मारना चाहता था। बट द बी इमीडिएटली रश टूवर्ड द हंटर, वह मधुमक्खी तुरंत बिना समय गवाए उस हंटर की तरफ दौड़ पड़ी। एंड स्टंग हिम ऑन द हैंड, और उसके हाथ में जहाँ पे वह निशाना साधा था कबूतर को मारने के लिए डंक मार दिया। द हंटर क्राइड इन पेन, तब शिकारी दर्द में चीख पड़ा। एंड ड्रॉप द गन, और बंदूक को नीचे रख दिया। मीनवाइल, इसी बीच में, देयर वॉज एनफ टाइम फॉर द डोब टू फ्लाई टू सेफ्टी, उस डोब यानी कि कबूतर के लिए सुरक्षित उड़कर दूसरे जगह पे जाने के लिए पर्याप्त समय बच गया। ऑलवेज, हमेशा, रिमेंबर, याद रखो, एन एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन गो ए लॉन्ग वे, दयालुता का एक कार्य लंबा समय तक याद रखा जाता है। काइंडनेस बिगेट्स काइंडनेस, दया से दया प्राप्त होती है। तो ये हमारी कहानी थी, चलिए एक कहानी को हम और पढ़ते हैं। द ग्रीडी क्रेन एंड द क्रेप्टी क्रैब, लालची क्रेन सारस एंड द क्रेप्टी क्रैब, और चालाक केकड़ा। वंस, एक बार, एन ओल्ड क्रेन, एक बूढ़ा क्रेन था, फाउंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड प्रे बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज, वह काफ़ी बूढ़ा हो गया था और इसी कारण उसे शिकार करने में कठिनाई आती थी। सो इसलिए ही मेड ए प्लान, उसने एक योजना बनाई। ही स्टूड ऑन द एज ऑफ ए लेक, वह एक झील के किनारे खड़ा हो गया। एंड सेड, और कहा, एस्ट्रोलॉजर्स फोरकास्ट दैट इट विल नॉट रेन फॉर 12 ईयर्स, ज्योतिषों का भविष्यवाणी हुआ है कि इस तालाब में 12 साल तक कोई बारिश नहीं होगी। अलार्म्ड एंड वरीड, चेतावनी और चिंतित, एवरीवन, उस झील में रहने वाले सभी प्राणी, फ्रॉम द लेक, लेक के, केम टू क्रेन, उस क्रेन के पास आए। एंड रिक्वेस्टेड हिज हेल्प, और उससे मदद की प्रार्थना करने लगे। द क्रेन सेड, तब उस सारस ने कहा, देयर इज ए बिग लेक नियर बाई, पास में मैंने एक बहुत बड़ा झील देखा है। आई कैन फेरी ऑल ऑफ यू टू दैट लेक, मैं तुम सबको लेकर उस झील के पास चलता हूँ। एवरीवन एग्रीड, तो सभी मान गए। एवरी डे, हर दिन, द क्रेन वुड टेक देम,
हर दिन वह क्रेन एक एक कोन में से लेकर जाता वन बाय वन एक एक कर टू ए लोनली प्लेस और एकांत स्थान पर ले जाता एंड ईट देम और उन्हें मारकर खा जाता। आफ्टर ए फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद इट वॉज क्रैब्स टर्न टू फ्लाई विथ ए क्रेन अब एक केकड़े की बारी आई उस क्रेन के साथ उड़ने के लिए। वेन द क्रेन फ्लू ओवर द स्पॉट जब क्रेन ने उस केकड़े को उठाकर उस जगह पर ले गया वेयर ही हैड ईटन ऑल द फिश जहाँ पर उसने सभी मछलियों को मारकर खा लिया था द क्रेब सा ए हीप ऑफ फिश बोन वहाँ पर केकड़े ने मछलियों के ढेर को देखा एंड आस्क्ड द क्रेन और क्रेन से पूछा आई सी नो लेक एनीवेयर मुझे तो यहाँ कहीं झील दिखाई नहीं दे रही है वेयर इज इट झील कहाँ है देयर इज नो लेक उसने जवाब दिया कोई झील नहीं है आई एम गोइंग टू किल यू मैं तुम्हें मारकर मारने जा रहा हूँ सेड द क्रेन क्रेन ने कहा द क्रेब द ब्रेव क्रेब बहादुर केकड़े ने काट द क्रेन स्नेक क्रेन के गर्दन को पकड़ लिया और काटा एंड क्रश्ड इट टू डेथ और इतना जकड़ा कि उसकी मृत्यु हो गई सेविंग इज वन लाइफ अपनी तो जीवन बचा लिया उस केकड़े ने द इविल क्रेन गॉट हिज ड्यू पनिशमेंट उस बुरे सारस को उसकी बुराई के लिए सजा मिल गई। मोरल गुड ऑलवेज ट्रम्प्स ओवर इविल अच्छाई हमेशा बुराई के ऊपर जीत हासिल करती है। अगली लास्ट और कहानी है हमारी द क्लेवर फार्मर चालाक किसान। वंस एक बार अ फार्मर हैड ए गोट एक किसान के पास एक बकरी थी ए बंडल ऑफ ग्रास घास का एक ढेर था एंड ए लायन और एक शेर था। ही हैड टू क्रॉस ए रिवर ऑन ए स्मॉल बोट उसे इन तीनों को लेकर एक साथ एक छोटी सी नाव में नदी पार करानी थी विच कुड कैरी ओनली टू ऑफ देम एट ए टाइम इन तीनों में से केवल वो दो को एक साथ ले जा सकता था। द फार्मर वाज इन फिक्स अब किसान ने सोचा इन तीनों को मैं नदी एक साथ कैसे पार कराऊं वो दुविधा में पड़ गया। इफ ही टेक्स द लायन फर्स्ट यदि वो शेर को पहले लेता देन द गोट वुड ईट अप द ग्रास इन हिज एब्सेंस तब उसकी अनुपस्थिति में बकरी जो थी पूरी घास को खा जाएगी। इफ ही टैक्स द ग्रास यदि वो घास का बंडल लेता है द लायन वुड ईट अप द गोट तो लायन जो है उस बकरी को मार के खा जाएगा। एट लास्ट अंत में ही फाउंड द परफेक्ट सोल्यूशन तब उसने अंत में एक उचित हल निकाला। ही फर्स्ट टुक द गोट पहले उसने बकरी को उठाया एंड लेफ्ट इट ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर और नदी की उस दूसरी तरफ छोड़ आया। देन उसके बाद ही टुक द लायन उसने शेर को लिया ऑन इस सेकेंड राउंड दूसरे राउंड में ही लेफ्ट द लायन एंड ब्रॉट द गोट बैक तब उसने उस शेर को वहाँ पहुँचा दिया और अपने साथ बकरी को वापस ले आया। लिविंग द गोट ऑन दिस साइड इस बगल बकरी को छोड़कर ही टुक द बंडल ऑफ ग्रास उसने घास का तिनका लिया ही लेफ्ट द ग्रास विद द लायन और वह उस लायन के पास उस घास को छोड़ आया एंड रिटर्न टू टेक द गोट इन द एंड और लायन तो घास खाएगा नहीं और अंत में उसने बकरी को अपने साथ लेकर वापिस आया। दस इस प्रकार ही क्रॉस द रिवर विदाउट एनी लॉस उसने नदी को पार कर लिया बिना किसी मुसीबत को तीनों को सुरक्षित पहुंचा दिया। मोरल अ लिटिल इंटेलिजेंस गोज इन लॉन्ग वे एक थोड़ी सी हमारी बुद्धिमानी हमें महत्वपूर्ण हल निकाल देती है। तो इस प्रकार इंग्लिश के माध्यम से हम लोगों ने प्यारी प्यारी कहानी सीखी। मिलेंगे हम नेक्स्ट स्टोरी में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।